अस्सलाम वालेकुम, इन्फॉर्मेशन चैनल में आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। आज की जो वीडियो है वो है, वो दुबई के जो शेख जायद रोड पे एक बिल्डिंग बन रही है उसके बारे में है। वो बिल्डिंग क्या है और इस में क्या चीज़ें इंस्टॉल होंगी वो मैं आपको तफसील से बताऊँगा। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखना और साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि बर वक्त आपको मेरी वीडियो मिल सके। तो चलता हूँ वीडियो की तरफ। ये एक इंसानी आई शक्ल की बिल्डिंग है, यानी कि इंसानी आँख की तरह ये इसकी शक्ल है। ये बिल्डिंग वैसे तो दुबई बिल्डिंग के लिहाज से बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ तरह तरह की बिल्डिंग, हर तरह के डिज़ाइन की बिल्डिंग बनाई जा रही है। क्योंकि एक मरतबा एक शेख मोहम्मद ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं जब अपने वालद के साथ बाहर के मुल्कों में जाया करता था तो मैं वहाँ के मुल्कों के मैं चीज़ें देखता होता था, तो मैं ये सोचता था कि मैं अपने मुल्क में भी इसी तरह की चीज़ें बनाऊँगा। तो जिस जिस मुल्क में मैं जाता था वहाँ की चीज़ें देख के मैं वहाँ से इंस्पायर होके मैं ये सोचता था कि बड़ा होकर मैं अपने मुल्क में भी इस तरह की चीज़ें बनाऊँगा। तो बिल्डिंग यहाँ और शेख मोहम्मद ने अपना वो ख्वाब भी पूरा किया। तो ये जो बिल्डिंग है ये एक इंसानी आई शक्ल की बिल्डिंग है, जिस तरह इंसानी आँख की शक्ल होती है। इस बिल्डिंग के नीचे भी बहुत बड़ा आता है जिसके ऊपर ये बिल्डिंग बनी हुई है, उसके ऊपर ये बिल्डिंग रखी गई है। और इस बिल्डिंग में जो चीज़ें हैं, इसका नाम है द म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर। कि ये जो बना रहे हैं बिल्डिंग, इसमें तरह तरह के, वैसे तो म्यूज़ियम में एनिमल वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें रोबोट वगैरह रखेंगे, इसमें रोबोट वगैरह होंगे, तरह तरह के रोबोट होंगे। आप जब इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल होंगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप इस दुनिया में हो, जैसे कोई अलग दुनिया में आप दाखिल हो गए हो। इस बिल्डिंग के अंदर जब आप जाएंगे तो तरह तरह की चीज़ें यहाँ इंस्टॉल हुई होंगी, तरह तरह के, जैसे हर चीज़ 3D में होगी और इंसान भूल जाएगा कि ये किस दुनिया में आ गया है। तो रोबोट होंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको किसी किस्म की मदद की ज़रूरत होगी वो आपकी हेल्प करेंगे। वहाँ तरह तरह की चीज़ें लगाई जाएंगी, रोबोट होंगे, कोई किसी किस्म की हेल्प, रेस्टोरेंट होंगे और वहाँ ऑल वगैरह होंगे जो लेक्चर वगैरह वो देंगे आपको, हर तरह के लेक्चर वगैरह देंगे। आप हॉल में बैठेंगे और ये मतलब एक अलग किस्म की दुनिया होगी जो इस बिल्डिंग के अंदर होगी। इसमें मुख्तलिफ किस्म की लिफ्ट वगैरह होंगी, उसको रोबोट वगैरह वही सिलेक्ट करेंगे ऊपर नीचे जाना, मतलब हर तरह आप किसी वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जब आप वहाँ अंदर दाखिल होंगे तो आपको कोई सॉन्ग वगैरह सुनना होगा, तो आप वहाँ से बटन प्रेस करोगे तो वहाँ सॉन्ग वगैरह सुन सकते हो। किसी किस्म की हेल्प चाहिए होगी तो रोबोट वगैरह वहाँ लगे हुए हैं, हर तरह की किसी किस्म की भी आपको हेल्प चाहिए तो वो आप से को किया हेल्प करेंगे। तो जब इसके आप इनिशियली जब अंदर दाखिल होंगे तो ये देखें, ये ऊपर लिफ्टें हैं, ऊपर नीचे लिफ्टें लगी हुई हैं, पूरी हर तरह की 3D जो स्क्रीनें हैं वो लगी हुई हैं। किसी किस्म की भी आपको हेल्प चाहिए उधर आप क्लिक कर सकते हैं, हर तरह की आपको मदद करने के लिए जो है ना रोबोट वो मदद करेंगे। पूरी ऐसी टेक्नोलॉजी इंस्टॉल कर रहे हैं कि मतलब दुनिया में अभी कहीं भी नहीं है ऐसी टेक्नोलॉजी जो इस बिल्डिंग के अंदर चीज़ें टेक्नोलॉजी जो है ना वो इंस्टॉल कर रहे हैं, तरह तरह की कर रहे हैं। ये देखें हॉल है, हॉल में सामने लेक्चर जो दे रहा है वो रोबोट है, तरह तरह की किस्म की। ये रेस्टोरेंट में, आप रेस्टोरेंट में जाओगे बैठोगे, किसी किस्म की हेल्प चाहिए, कोई चीज़ चाहिए वो करेंगे। आप अगर अपना फेस जो है ना वो सामने आप स्क्रीन के सामने रखोगे, पूरी मतलब इस तरह की चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हैं कि बंदा सोच नहीं सकता जो ये चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई सॉन्ग वगैरह सुनना हो या किसी किस्म का सॉन्ग, वहाँ भाई आप प्रेस करके जो चीज़ें इंस्टॉल की हुई हैं वो भी सुन सकते हो। और दूसरा ये है कि ये जो आगे बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं उसके बारे में मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, वो भी एक्सपो 2020 तक कम्प्लीट हो जाएगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब